हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स तो हम लोग आज दोबारा मिल Hello गए हैं रोज़ मिलते हैं आठ बजे अपने ईयर लॉन्ग बैच कोर्स के साथ अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यू पर हेलो स्टूडेंट्स मैं अच्छी हूँ आप लोग कैसे हो आ, श्वेता सैयद उमर मनीष डॉक्टर प्रीति श्रुति हरेश अधिमालुप दीप सौम्या दिशा केशव केशव बेटा आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई केशव तुम वही हो ना जिसने पूछा था मैंने कहा था ना टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो डॉक्टर प्रीति मनीष पीयूष अजरुद्दीन प्रिंसी मनीष ओके आई एम गुड रंजीत हाव यू पवन सो स्टूडेंट्स चलो अभी मैं और भी देखती हूँ बच्चों को सो so स्टूडेंट्स आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले देखो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी पिछले सात सालों से मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ठीक है और अब मैं अन अकेडमी के नंबर वन प्लेटफॉर्म के नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यू पे पढ़ा रही हूँ देखो मेरे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप लोगों को मैं नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक की बायो पढ़ाती हूँ नाइन्थ से लेके स्टूडेंट्स ट्वेल्थ तक की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ नाइन्थ टेंथ में चैनल फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे पढ़ाती हूँ और इलेवेंथ ट्वेल्थ चैनल लेट्स क्रैक नीट यू पे तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है जो इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चे के एस्पिरेंट हैं उनके पास एक्चुअली सबसे बेस्ट है बिकॉज रिजल्ट हैव कम और जो भी हैं बाकी आ जाएंगे ना जो ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है उसके बाद अब ये बेनिफिट देखो कि नाउ यू आर आप ठीक है इस साल अगर दे रहे हो नीट तो वेल एंड गुड जरूर देना उसके लिए भी कोर्स चल रहा है बट ईयर लॉन्ग की तैयारी अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूं कोविड के कारण आज पोस्टपोन हुआ है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड के कारण हमेशा एग्जाम देखो कोविड तो रहेगा जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आएगी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए कोविड हमें अच्छी चीज़ें भी सिखा के गया है और सिखा रहा है तो उसके लिए आप अपनी तैयारी कॉम्प्रोमाइज मत करो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो और फटाफट अनअकेडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कोर्सेस की लिस्ट आएगी आप नीट यू के एस्पिरेंट हो तो नीट यू का एक साल का या फिर दो साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और मेरा कोड डाल दो एम आपको टेन डिस्काउंट मिल जाएगा इज इट क्लियर हेलो इस दूसरी बात है स्टूडेंट मैं आप लोगों को मंडे को हो सकता है मंडे को मैं आपको एक सेशन दूंगी फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर नी 2020 एंड टाइम टेबल उस पर मैं आपको एक स्ट्रेटी जी दूंगी और जो भी मैंने मेरे कोर्सेज दिए अपडेट के उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी लेकिन आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कल रात में तो हम लोगों ने मैराथन लिया था आठ से लेके सा ग्यारह तक बहुत सारे बच्चे आए थे उन्होंने आ, इवन इतना सपोर्ट किया एंड तक थे बच्चे तो ये बोलते मैम दो बजे तक ले लो पर दो बजे तक हम लोगों ने नहीं लिया है तो वैसे क्या था बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी यूनिट मैंने करवा दी है बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर मैं परसों ही करवा चुकी थी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस अब आती है एप्लीकेशंस की बात आप बोलोगे मैम ये वाला चैप्टर क्यों देखो क्या है पहले आज तो कुछ लिखना मत ठीक है ज़्यादा लंबा मैं सेशन नहीं लूँगी ठीक है क्योंकि आज मेरा भी थोड़ा सा क्या गला बैठ गया है ज़्यादा चीख के नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि कल मैंने तीन स्पेशल क्लासेस डाली हैं कल क्या हैं तीन स्पेशल क्लासेस हैं सुबह दस बजे फिर दिन में एक बजे फिर दिन में साढ़े तीन बजे तो साढ़े चार बजे मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगी तो अब एक एक चीज़ के बारे में यहाँ नहीं बता पाऊंगी तो बेस्ट यही है कि आप लोग टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लो ठीक है टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं ये सेशन ख़त्म होते से ही पूरा का पूरा कल का डाल दूंगी आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो अगर सुबह साढ़े ग्यारह की क्लास नहीं होगी तो मैं लिख देती हूँ नहीं होगी कल ये क्लास नहीं होगी मतलब नहीं होगी उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैम होगी कि नहीं होगी होगी कि नहीं होगी ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी तो इसलिए अभी ये सेशन खत्म करने के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी सब कुछ कल काफ़ी स्पेशल क्लासेस रखी हैं और हम लोग भर भर के सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं एन की एक एक लाइन में से मैंने क्वेश्चन उठाया है और प्रीवियस ईयर्स भी ज्वाइन करे हैं कल के जो तीन स्पेशल क्लास सेशंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और अब ऐसे ही स्पेशल क्लासेस चलती ही रहेंगी ये वाला चैप्टर क्या है बहुत आसान है हम लोग फटाफट दो लेक्चर्स में कर लेंगे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं कुछ भी मत लिखना प्रॉपर स्लाइड से पढ़ते हैं सच में बहुत छोटा चैप्टर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है जो चैप्टर में नहीं लिखवाऊंगी उसको मैं खुद या तो व्हाट्सअप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे आपको इसका पी दे दूंगी जो मैं लिखा रही हूँ वो आप लिखो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स जो मैं लिखा रही हूँ वो आप लोग लिखो तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में बात की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हम लोगों ने सारी सिनेरियो देखे तो ये चैप्टर क्या है मैं आज और आ, कल या परसों में इसको खत्म कर दूंगी ठीक है और उसके बाद हम लोग मेंटी खेलेंगे मेंटी किसका खेलेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशन तो मेंटी में एक बार जैसे मेरे को लगता है एक मेरे मेंटी में थर्टी क्वेश्चन डलते हैं तो थर्टी 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 90 क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी में तो 30 30 करके हम लोग मेंटी के तीन क्विज खेल लेंगे मेंटी क्विज वन मेंटी क्विज टू मेंटी क्विज थ्री हम लोग सारे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को ले लेंगे इज इट क्लियर स्टूडेंट्स टाइम टेबल का सेशन कब होगा टाइम टेबल का सेशन मंडे को लूंगी और उसका लिंक मैं कल डाल क्योंकि कल क्या मैंने बहुत ज्यादा स्पेशल क्लासेस ली हैं ठीक है तो अभी मेरा गला क्या है वैसे भी बैठ गया देखो मैं ज्यादा जोर से भी नहीं बोल पा रही हूं तो ऐसा नहीं कि मेरा गला चौंक ही हो जाए और मैं बोल ही नहीं पाऊं ठीक है तो आज थोड़ी क्या है मेरी भी तबीयत इधर उधर है पर फिर भी मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं जिससे कि सेशन बर्बाद नहीं हो तो मंडे को मैं फाइनल स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल दे दूंगी आप लोगों के लिए भी बना दूंगी और मेरा टाइम टेबल भी समझ लेना ठीक है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स मैं अप बोर्ड से हूं क्या बोल रहे हो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग बिल्कुल भरत ये आ, जो मैं पढ़ाती हूँ ना ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है सारे सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चा 2021 का है वो भी देखे वो तो है ही देखे ट्वेंटी वाला भी चाहे तो रिवाइज कर सकते क्योंकि अभी टाइम है तेरह सितंबर में आपके जो भी चैप्टर कच्चे हैं ना आप लोग दो दो तीन तीन दिन देखे कर सकते हो जैसे हम लोगों का बोलते ना फाइनल डेस्टिनेशन नी टी ट्वेंटी अभी मैराथन के कारण मैं सुबह साढ़े ग्यारह बजे नहीं ले पा रही थी लेकिन अब मैं वो भी कंटिन्यू करूँगी बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स खत्म करूंगी मंडे को और उसके बाद में आपका सबसे वो टिपिकल टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ मॉर्फोलॉजी उसमें रूट स्टेम लीव को इतना बढ़िया खोल खोल के ढंग से समझाऊंगी कि जो भी आप लोगों को परेशानी आ रही थी ना मोरफोलॉजी वो नहीं आएगी फिर एनाटॉमी पढ़ लेंगे ये दो भारी भरकम चैप्टर खत्म फिर हम उठाएंगे जेनेटिक्स फिर हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे जेनेटिक्स तो सुबह भी पढ़ो शाम को भी पढ़ो और यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी खत्म करने के बाद मैं जेनेटिक्स ही उठाऊंगी तो आपको दो बार आ जाओ सुबह भी आ जाओ शाम को भी आ जाओ दो बार जेनेटिक्स रिवाइज कर लो कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन में दो बार जेनेटिक्स रिवाइज करने को मिला होगा है ना हा और स्पेशल क्लास में मैं कल आप लोगों को जैसे रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी बायोटेक्नोलॉजी के डालूंगी मतलब मैंने क्या है मल्टीपल क्वेश्चन अभी डालूंगी मैं रात में बैठकर भी मैं भी काम करूंगी बहुत सारा रात में आप लोगों के लिए मल्टीपल क्वेश्चन डालूंगी क्योंकि बच्चों नीट आपसे तभी क्लियर होगी जब आपके दिमाग की एक्यूरेसी बढ़ेगी आपको फिजिक्स भी सोचनी है केमिस्ट्री भी सोचनी है बायो भी सोचनी है अभी आप सिर्फ बायो सोच रहे हो इसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ले रही हूँ मैं तो ऐसा करूंगी आपका एक मॉक टेस्ट ले लूँगी यूट्यूब पर उसमें बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसका हम लोग ले लेंगे फील द पैशन ऑफ नीट नीट को फील करना तीन घंटे में बायोलॉजी करके भी फिजिक्स भी केमिस्ट्री देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है मैं देख के ठीक ठाक क्वेश्चन डाल दूंगी ठीक है तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से आ, एक मजा आ जाएगा आप लोगों को ठीक है अब हम लोग हाँ बिल्कुल अब हम लोग काम करते हैं या चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान सिंपल चैप्टर है स्लाइड से देख लो जमे तो लिख लो बना इसके पीडीएफ में टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना अपना उस पर डाल दूंगी ठीक है सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस देखो बायोटेक्नोलॉजी ये कहती है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी सरवाइव कर सकती हूं अगर आपको कहीं पर भी सरवाइव करना है तो बायोटेक्नोलॉजी सरवाइव करवाने को तैयार है देखो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें आपको एक फूल पत्ती नजर आ रही है एक मेडिसिन नजर आ रही है डीएनए नजर आ रहा है मतलब हमारी बायोटेक्नोलॉजी के वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के क्या हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बायो है बायोटेक्नोलॉजी एक वेयर्ड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स एक वेर्ड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं किसी का भी जेनेटिक का पार्ट काट के किसी में भी घुजेड़ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है तो इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा इसकी तरफ जाना भी चाहे तो कोई नुकसान नहीं है बेनिफिट ही है ठीक है हम लोग बायोफार्मा स्यूटिकल्स पे जा सकते हैं जो आज की तारीख में दवाइयाँ बन रही हैं बेहतर दवाइयाँ बन रही हैं पहले जॉन्डिस का इलाज नहीं था देखो डायबिटीज़ का तो आज भी इलाज नहीं है अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी तो वो डायबिटीज़ से राहत पा सकता है लेकिन एकदम डायबिटीज़ को अपने शरीर से हटा नहीं सकता है डायबिटीज़ को अपने शरीर से हटा नहीं सकता है वो फिटनेस कर सकता है खान पीन का ध्यान रख सकता है और वो इंसुलिन लेकर उसको कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो एकदम नहीं बोल पाता है कि आई एम डायबिटीज़ फ्री वो उसके कंडीशन पे, टाइप वन टाइप टू पे भी डिपेंड करती है थेराप्यूटिक्स जो भी ट्रीटमेंट्स हैं आज की तारीख में हमारे पास भयंकर से भयंकर कैंसर के ट्रीटमेंट है इवन कोविड की वैक्सीन नहीं है फिर भी हमारे देश में बचने वालों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मरने वालों से हमारे जो डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ हैं जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक हमारी बॉडी को इतना दे रही हैं कि बहुत लोग कोविड से ठीक होकर आ रहे हैं जबकि तो पेंडेमिक हो गया है ठीक है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेक्निक देखो पहले सीटी स्कैन नहीं था एमआरआई नहीं थी बेचारे किसी को कैंसर हो जाता था बच ही नहीं पाता था घर में आज की तारीख में सी स्कैन है एम है छोटी से छोटी सिस्ट को आप वो क्या बोलते हैं लेजर टेक्निक से मार सकते हो पहले किसी को किडनी में पथरी होती थी बेचारा दर्द के मारे परेशान होता था पूरी यहां से सर्जरी होती थी उसकी टांके लगते थे डॉक्टर्स के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे आजकल डॉक्टर ने बोला है कोई बात नहीं लेजर से मैं तोड़ दूंगा बस एक दो बार चेकअप करने आ जाना है तो आप खुद देखो कि कितनी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आई है ये सब बायोटेक्नोलॉजी से क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी घुसेड़ दे रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को जोड़ देते हैं थ्री इडियट्स मूवी देखी थी बहुत ही फैंटाबुलस मूवी है सच में इंस्पायरिंग मूवी है उसमें क्या था इंजीनियरिंग और मेडिकल को जोड़ दिया गया है सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर पैदावार नहीं हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन लाए कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर से बेहतर क्रॉप्स हो तो हम जीन मैन्युपुलेशन करके वैरायटी को ऐड करके दुनिया जहान की पता नहीं कितनी तादाद में जल्दी जैसे आपने कहा है कि यार ये प्लांट तो साल में एक बार आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर लो वो आप जब चाहे ग्रो कर सकते हो एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक होता है आर्टिफिशियल वो भी एप्लीकेबल हो जाता है ठीक है प्रोसेस्ड फूड ठीक है आजकल फूड इतना कैंड देखो बहुत ज्यादा रखा हुआ कैंड फूड तो नहीं होता है जैसे आप लोगों ने कभी कभार वो सुना है फाइबर वाला दूध एक तो आप नॉर्मल दूध वाले से दूध लेते एक फाइबर वाला दूध आता है कैंड में मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में आजकल इंडिया में भी आता है उसको रख देते हैं अमूल का डब्बा फ्रिज में फाइबर वाला तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है बस यूज किया और पी लो तो अब आप देखो टेक्नोलॉजी को देखो कि आप मिल्क को स्टोर करके रख रहे हो इतनी इतनी देर बायो रीमेडिएटेशन बायो रिमेडिएटेशन री मतलब रिहेबिलिटेशन आप जैसे जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उन्हें भी बायोटेक्नोलॉजी से काफी हद तक ठीक कर सकते हो क्योंकि इस तरीके की ड्रग्स आ गई हैं जो उनकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक है वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग गंदगी फेंक देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पड़ेंगे तो हाँ, हम लोग जब ये सब चीजें कर रहे हैं तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि उस वेस्ट के अंदर अगर कुछ भी अच्छी चीज पड़ी हुई है तो वो हम लोगों को मिल जाए एनर्जी प्रोडक्शन ठीक है नाउ यहां पर कंटिन्यूसली एक डीएनए मॉलिक्यूल का पिक्चर बना हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल के पिक्चर का ये मतलब होता है कि हम लोग जो डीएनए के अंदर जीन है उसकी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट छेड़छाड़ कर रहे हैं आज जो भी हमारे पास है वो जीन की वजह से है हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है क्रोमोजोम के ऊपर जीन है जेनेटिक्स जेनेटिक्स में पूरा खोल के पढ़ाऊंगी भले ही लंबा चल जाए चैप्टर पर मेरी गारंटी है जेनेटिक्स में अब इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी नाउ क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस हद तक बायोटेक्नोलॉजी को आप लेके जा सकते हो प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूवड ऑर्गेनिज्म हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इंजाइम्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं जो नॉर्मल इंजाइम्स हैं जो मान लो आ, कुछ मिनटों में एक सबस्ट्रेट से हज़ार प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हम इंजाइम को अपडेट करके एक सबस्ट्रेट से दस हज़ार प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं क्योंकि इंजाइम को क्या है हमने मॉडिफाई कर दिया है क्रिएट ऑप्टीमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट इंजाइम है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता हूँ पर्टिकुलर पीएच पे काम करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तेर को मैं ऐसा बना दूंगी कि तू तो दुनिया के किसी भी टेम्परेचर और पीएच पर काम कर लेगा मैं इंजाइम की अडेप्टिबिलिटी बढ़ा रही हूँ मैं इंजाइम की एक्लिमेटाइजेशन पावर बढ़ा रही हूँ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस ये तो मैंने आपको परसों पढ़ाया था परसों मैंने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर खत्म किया था उसमें मैंने क्या बोला था कि फाइनली जो डीएनए आपको मिल गया है आपको उसको छानना है उसको फिल्टर करना है जैसे ही आप उसको फिल्टर कर लोगे आप उसको पैक करके मार्केट में डाल सकते हो किसी के यहां हम लोग बर्थडे मनाने जाते हैं ठीक है पार्टी करने जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं ये नहीं बोलते हैं कि ये ले मैं तेरे लिए ले गमला लेके आई हूं वास लेके आई हूं और उसके सर पे रख देते हैं नहीं हम लोग क्या है सुंदर तरीके से उसको बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आर्ट चीज गैलरीज में रखे रहते हैं तो ये क्या होता है प्रेजेंटेशन होता है जितना सुंदर प्रेजेंटेशन सामने वाले का अट्रैक्शन उतना ज्यादा आप पर कहते हैं ना फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ लास्ट प्रेजेंटेशन फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन इज इट क्लियर नाउ अब हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस जगह जगह पर पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे मेडिसिन में पढ़ेंगे और जितने भी हम लोग ब्रांचेस ऑफ साइंस को कवर कर सकते हैं वहां वहां बायोटेक्नोलॉजी को डालेंगे ठीक है देखो इसलिए कह रही हूं इसमें स्लाइड से ही जो लिखना चाहे लिख लो इतना कोई बहुत ही एक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ठीक है जैसे लाइट में लिखा हुआ है तो मैं बता देती हूं ये लिखा हुआ है थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ये ऊपर क्या लिखा हुआ है अगर नहीं दिख रहा हो तो थ्री ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन देखो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है घटी नहीं रही है अब सारी पॉपुलेशन को खाना देना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा नो no डाउट हम लोगों को खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग तो इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास तो खाना है दो टाइम का तीन टाइम का स्नैक्स एवरीथिंग जब चाय चाय पी लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी खाना बचा लेना चाहिए और अगर आपको पॉपुलेशन को खाना देना है तो मैं और क्या क्या रेमेडीज यूज कर सकती हूं बायोटेक्नोलॉजी में एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एग्रो मतलब खेत खलियान एग्रीकल्चर केमिकल मतलब कोई केमिकल को डालो लेकिन अगर आप उस केमिकल को डाल रहे हो एग्रीकल्चर की पैदावार को बढ़ाने में तो आप सोच समझ के डालो उसकी प्रॉपर नॉलेज रखो को, आजकल देखो एग्रीकल्चर रिसर्च भी एक बहुत ही उम्दा ब्रांच हो गई बच्चे लेते हैं उसमें पास करते हैं दे गॉट वेरी गुड जॉब्स ठीक है क्योंकि जॉब तो लाइफ में हमें चाहिए सर्वाइव करने के लिए तो एग्रीकल्चर आपको प्लांट्स मतलब एक तरीके से ये पी है बॉटनी में एग्रीकल्चर में आपको दुनिया भर के प्लांट की नॉलेज मिलती है फार्मर्स खुद रिसर्चर्स को बुलाते हैं कि भाई तुम आओ हमें बताओ क्या डालू खाद इसमें तो उनको बहुत नॉलेज होती है इसके बारे में कि एक्चुअली एक पौधा चाहता क्या है बढ़ने के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर के जेनेटिक्स को तुम मॉडिफाई करो और उसमें से कोई एक न्यू वेराइटी बनाओ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत चला है ना ऑर्गेनिक फूड खाओ ऑर्गेनिक ये करो सीधे खेत खलियान में फूड को उगाते हैं और क्या करते हैं स्टूडेंट्स खाते हैं ठीक है पीडीएफ कब मिलेगा दे दूंगी पीडीएफ ये चैप्टर खत्म होने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर या टेलीग्राम पे डाल दूंगी ठीक है अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिन्हें जीएमओ भी कहते हैं और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकते हैं बैक्टीरिया भी हो सकते हैं फंजाई भी हो सकते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनके साथ जिनके जीन के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो क्या कह रही हूं कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्लांट भी हो सकता है बैक्टीरिया भी हो सकता है फंजाई भी और एनिमल भी ऑलमोस्ट हमने पूरे एनिमल किंगडम को उठा लिया देखो ये आप ये इस मैम को देखो ये मैम क्या कर रही है ये अपने हिसाब से रिसर्च कर, कर चीज़ों को तैयार कर रही है और बायोटेक्नोलॉजी कोई घर में बैठने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैंने मेरे बाहर पौधा उगा दिया और मैंने अपने घर को बायोटेक्नोलॉजी का घर डिक्लेयर कर दिया बहुत बड़ा एरिया चाहिए पैसा चाहिए ठीक है नॉलेज चाहिए आपको लोगों को जॉब देनी होगी रिसर्चर्स को जॉब देनी होगी ठीक है और भी अदर वर्कर्स की आपको बहुत जरूरत है लेबोरेटरी खोलोगे तो क्या ऐसे ही थोड़ी खोल लोगे फैसिलिटी भी तो दोगे तो ये देखो ये कमाल की लेबोरेटरी है ये आप भुट्टे का डायग्राम देखो भुट्टा आपको ये भुट्टा जो येलो येलो कलर का है आपको आज की तारीख में वो अमेरिकन भुट्टा नहीं है तो कौन हम लोग मूवीज देखने जाते हैं बोलते भैया यार बीस रुपए का कॉन तो बनाना वो अलग ही प्रोसेस करेगा कौन को इट इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड लेकिन कौन आजकल हर कलर के दिख रहे हैं कलर का मतलब क्या है कलर का मतलब क्या है कोडिंग ऐसा जीन जो उस कलर को कोड कर रहा है उसको बदल दो उसको बोलो तो येलो मत कोड कर तू तो रेड कोड कर ठीक है अब देखो एडवांटेज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स अगर ब्लू के ऊपर ब्लू नहीं दिख रहा है तो एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट अगर आप प्लांट के जेनेटिक कंटेंट को बदल रहे हो तो आपको क्या फायदा मिल रहा है भाई मैं दुनिया मतलब बायोटेक्नोलॉजी बहुत टिपिकल ब्रांच है कि आप एक डोनर को लेते हो उसका जीन ऑफ इंटर ढूंढोगे फिर काटोगे फिर जोड़ोगे फिर फलाना ढिमका आर डी एन ए फिर उसका एम्पलीफिकेशन करोगे फिर उसको होस्ट में डालोगे फिर देखोगे कि होस्ट भाई बना रहा है कॉपीज ये बोलने में आसान है सुनने में आसान है लिखने में आसान है लेकिन जो रिसर्चर्स इसमें करते हैं ना वो दिन रात पसीना बहा के ये सोचते होंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से सक्सेसफुली मैं मार्केट में ले आऊं दिन भर सोचते होंगे दिन भर रिसर्च करते होंगे ठीक है सो इट मेक अब आपको क्या करना है आपको ले दे पैदावार बढ़ानी है खाना बढ़ाना है प्लांट डिपेंडेंट फूड सोर्सेस को बढ़ाना है चावल को बढ़ाना है गेहूँ को बढ़ाना है बाजरा को बढ़ाना है ज्वार को बढ़ाना है जो भी प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं क्या करोगे ऐसा देखो आप क्या करोगे कि जैसे कोई प्लांट है वो प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी में मर गया सर्दी में मर गया भाई वो बाहर का टेम्परेचर झेल ही नहीं पा रहा है रेजिस्टेंसी नहीं है उसमें एबायोटिक फैक्टर की एयर की नहीं है वाटर की नहीं है सॉइल की नहीं है एबायोटिक फिजिकल इन्वायमेंट फिजिकल फैक्टर कल इकोलॉजी में क्वेश्चन कराया था मैराथन लिया था तो वो क्या कहता है कि चाहे सूखा हो नमकीन हो या बाहर बहुत गर्मी हो आप क्रॉप को इतना टफ बना दो जेनेटिक मॉडिफाई करके कि वो दुनिया के किसी भी एरिया में सर्वाइव कर लेगी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट को आप ऐसा सॉरी आप प्लांट को ऐसा बना दो कि पेस्ट उसको खा ही नहीं पाए उस पर कोई भी इंसेक्ट उसको खा ही नहीं पाए उसके देखो क्या होता है जो प्लांट होता है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केमिकल्स को छोड़ते हैं जब भी उनके पास कोई खाने आता है ना वो आ, केमिकल्स को छोड़ देते हैं हर्बी वोर्स हरबी वोरस जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई बेचारा एनिमल उसको खाने आए और वो मर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए पर ऐसा कर सकते हैं कि प्लांट को ऐसा बना दो कि उसको इंसेक्ट नहीं खाए जितना कम इंसेक्ट खाएगा जितना कम पेस्ट खाएगा उतना कम आपको दवाई डालनी पड़ेगी भाई एक सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखो अगर आप बार बार बीमार पड़ जाओगे तो आपकी मम्मी को बार बार गोली खानी देने पड़ेगी भाई खा क्रोसिन खा पैरासीटामोल खा ये खा वो खा डूफ्लेम खा डाइना खा एज अ डॉक्टर नॉलेज मेरे को बहुत है मेडिसिन की ठीक है मेडिसिन मेरी ब्रांच नहीं सर्जरी पर है बहुत इंटरेस्ट है उसमें तो अब क्या करूँगी तो बीमारी मत पड़ो अपना ध्यान रखो रेजिस्टेंस बढ़ाओ विटामिन सी खाओ विटामिन डी खाओ बहुत सारे विटामिन मिनरल खाओ फ्रूट्स खाओ तो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी ठीक है तो हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कभी आप ये क्रॉप को काटने के बाद जैसे मैंने क्रॉप को काटा तो क्रॉप को काटने के बाद क्रॉप मर गई या आपने उसका जैसे बोरियो में भरा उसको उसको स्टोर हाउस में रखा और वहां पर भाई फंगल इन्फेक्शन हो गया पानी आ गया आपकी क्रॉप खराब हो गई आपने बोला क्या फ़ायदा हुआ आपने बोला कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इट इंक्रीज एफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स प्लांट मिनरल मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगी इलेवेंथ में मिनरल्स लेता है ओल्डर देखो ये जो ओल्डर लीव्स होती हैं ये ओल्डर लीफ है देखो जैसे इसने ये एक साइंटिफिकली प्लांट दे रखा है ये ओल्डर लीफ है जो यंगर लीव्स को नीचे वाली ओल्डर है ऊपर वाली यंगर है ओल्डर यंगर ठीक है तो ओल्डर क्या करता है अपना न्यूट्रिशन यंगर को देता है आप कभी ना मेरे घर में एक पौधा हुआ हुआ है मैं कभी उसका वीडियो बना के आपको यहां दिखाऊंगी उस पौधे में कड़ी पत्ते का पौधा है मैंने उगाया हुआ है गार्डनिंग का शौक रखती हूं तो वो पत्ति, वो पत्ती प्रैक्टिकली बताइए वो पत्ती क्या कर रही है वो ऐसे ग्रो करती है कड़ी पत्ते की अब वो नीचे वाली क्या हो रही है येलो होती जा रही है और गिरती जा रही है और ऊपर वाली ग्रो करती जा रही है तो ओल्डर क्या बोल रही है कोई बात नहीं बेटा मैं कम खा लूंगी तू ज़्यादा खा ले ठीक है तो इस तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए तो हर प्लांट में क्षमता होनी चाहिए कि सॉइल में से ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल को ले सके इट इन्हैंसेज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड अच्छे से अच्छा खाना दो हमारी जनता को बच्चे हैं आप यंगस्टर्स हो यूथ हो देश के विटामिन ए विटामिन की दुनिया भर के फ्रूट्स खाओ फ्रूट खाओगे तो विटामिन मिलेगा वैसे भी विटामिन शरीर में बनता नहीं है बाहर से लेना पड़ता है और माइक्रो है तो वैसे ही ज्यादा नहीं चाहिए जेने जीएम इज यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूज एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है स्टार्च बना लोगे अलग से फ्यूल में यूज हो सकती है फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो सकती है एक तरीके से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज होती है वो खाना है वो आपके टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट के लिए खाना है ठीक है अब यहां पर लिखा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ब्लू के ऊपर अगर ब्लू नहीं दिख रहा है तो बता देती हूं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ये देखो ये टमाटर उगाया हुआ है देखो ये टमाटर दिख रहा है आपको ये ये बहुत ही गहरे कलर का टमाटर है ये ये थोड़ा लाल कलर का टमाटर है आलू देखो कॉर्न देखो कितना सुंदर भुट्टा लग रहा है ये ठीक है तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक्ट बायो पेस्टिसाइड ऐसा प्लांट जिसको कोई भी पैथोजन कोई भी इंसेक्ट नहीं मार सकता है स्टूडेंट गजब की रेजिस्टेंस है जैसे आप बोलते हो मैर को तो कुछ भी हो जाए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता बहुत अच्छी बात है बहुत बच्चों को आए दिन कोल्ड हो जाता है फ्लू हो जाता है इम्यूनिटी लेसन है ठीक है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड भाई जब आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो दवाइयां क्यों देंगे आपके पेरेंट्स गेटिंग माई पॉइंट जैसे बी कॉटन बी कॉर्न राइस टोमेटो पोटैटो एंड सोयाबीन क्वेश्चन किस पे आता है नीट में बीटी कॉटन पे ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस चैप्टर में से ठीक है अब बीटी कॉटन क्या होता है देखो कॉटन का मतलब क्या होता है कपास कॉटन क्या होती है कपास होती, होती है ना हम लोग कभी कुछ लग जाता है उसको साफ करने के लिए करते हैं मोबाइल पे आजकल कोविड आ गया अरे बाहर से आयो पहले स्पिरिट से मोबाइल को साफ करो सो जस्ट टू वाइपिंग जस्ट टू क्लीनिंग द थिंग्स वी आर यूजिंग कॉटन नाउ सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थींस बेसिलस का मतलब क्या होता है कोकाई का मतलब होता है गोल बैक्टीरिया है बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड देखो हैव प्रोटीन्स डैट किल इंसेक्ट लाइक कॉलियोप्टर लेबिटोटिर एंड डिपटेर बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ऐसा प्लांट पैदा किया हमारे साइंटिस्ट ने कि एक काम करो अच्छा ये प्लांट मर जाता है जल्दी इसमें रेजिस्टेंस डाल दो ये प्लांट पानी नहीं एब्जॉर्ब करता इसका रूट एंकरेज बढ़ा दो ये प्लांट पेस्टिसाइड से जल्दी मर जाता है इसको रेजिस्टेंस बनाओ तो एक प्लांट का जीन उठाया दूसरे प्लांट का अच्छा जीन उठाया तीसरे प्लांट का अच्छा जीन उठाया तीनों को मिलाकर एक प्लांट में डाल दिया अब प्लांट ग्रो करा आपने बोला अरे वाह मैम ये तो बड़ा मजा आ गया ये तो पेस्टिसाइड से भी नहीं मरता कितनी भी धूप दे दो तब भी नहीं मरता है और इसको कोई पैथोजन भी नहीं मार पाता है चाहे इस पे आप कीड़ा छोड़ दो बीटल छोड़ दो फ्लाइज छोड़ दो मॉस्किटो छोड़ दो टोबैको तो बर्ड वाम छोड़ दो ये प्लांट नहीं मरेगा ये क्या है अमरफल खा के आया है शायद खा के आया है ठीक है बैसिलस थ्योरी थ्योरीजिनेसिस फॉर्म्स आर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बीटी टॉक्सिन अमर फल खा के नहीं आया है इसके पास रेजिस्टेंस है ये बोलता है देखो इंसेक्ट अगर तुम मुझे खाने आओगे तो मैं एक टॉक्सिन बनाऊंगा जो कि प्रोटीन का बना हुआ है प्रोटीन हमारा एक बायोडाइवर्सिफाइड बायो, बायो मॉलिक्यूल है दुनिया की हर चीज़ में प्रोटीन की बना सकती हूँ क्यों क्योंकि मेरे पास ट्वेंटी अमीनो एसिड्स है मैंने ये सुबह वाला जो क्रैश कोर्स चलाती हूँ उसमें मैंने आपको अमीनो एसिड की ट्रिक भी दी है जो बच्चा रेगुलर होगा उसको पता होगा ट्रिक दी थी मैंने अमीनो एसिड को लर्न करने की तो ये जो प्लांट है ये जो प्लांट बना है बीटी कॉटन जो कि बेसिलस का बना है ये बोलता है कि मैं अपने अंदर से क्या है टॉक्सिन निकालता हूं ऐसे टॉक्सिन जहरीला पदार्थ निकालता हूं कि जब कोई मॉस्किटो मुझे खाने आएगा तो मैं उस पर छोड़ दूंगा तो मैं अमर फल खा के नहीं आया हूं लेकिन मैं अपने आप को बचा सकता हूं ठीक है क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेस ऑफ देयर देर इट डज नॉट किल द देशलस Add, एज एट एक्सिड सेट्स इन एक्टिव अब क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये टॉक्सिन को रिलीज करता है तो ये जिस बैक्टीरिया से बना हुआ है उसको भी तो मार सकता है नहीं नहीं मारता है जैसे हमारे आ, स्टमक में आ, वो होता है ना पेप्सिनोजन स्टमक में होता है पेप्सिनोजन जब खाना आता है तभी वो एक्टिवेट होता है वो क्यों इनएक्टिवेट है जिससे कि वो मेरे स्टमक में पड़े हुए मेरे सेल में पड़े हुए प्रोटीन्स को नहीं खा जाए स्टूडेंट्स ठीक है क्या बोल रहे हो बच्चों आप लोग पांच बजे वाली क्लास पांच बजे तो बेटा कोई क्लास ही नहीं होती है पांच बजे कौन सी क्लास होती थी होती है क्या कोई नहीं पांच बजे तो कोई क्लास नहीं होती है ठीक है इज इट क्लियर अब ये देखो ये पूरा इसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है पूरा प्रोसीजर देखो वेन एन इंसेक्ट इन जस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट गया उसे बेटी कॉटन को खाया वो टॉक्सिन उसके अंदर चला गया इट इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू ऑफ एलकोलीफ दट विच सोल बीटी कॉटन है उसके पास इनएक्टिव टॉक्सिन है नहीं तो खुद को ही खा जाएगा इंसेक्ट आया उसने बड़े मजे से बी टी कॉटन को चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के खा लिया अब भाई वो जो टॉक्सिन है बी टी कॉटन का वो स्टमक में चला गया गट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्टर इंसेक्ट की गट में चला गया गट में गट में उस टॉक्सिन को मिला पी पीएच। गट में उस टॉक्सिन को क्या मिला पीएच। उसने बोला, अब मैं एक्टिव हो जाऊंगा जैसे हमारे पेप्सिनोजन को जब एच मिलता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है उसी तरीके से बीटी कॉटन का जो इनएक्टिव टॉक्सिन है अगर वो मॉस्किटो की गट में चला गया तो ये इसकी गट पे जाके चिपक जाएगा जो एक्टिव टॉक्सिन है वो मॉस्किटो की गट पे जाके चिपक जाएगा चिपक जाएगा और गड्ढे कर देगा गड्ढे कर देगा गड्ढे कर देगा और गड्ढे कर देगा जैसे ही गड्ढे कर देगा पूरा फ्लूड बॉडी के इधर उधर भागने लगेगा इंसेक्ट का स्टमक फूल जाएगा स्वेलो हो जाएगा फट जाएगा और इंसेक्ट क्या हो जाएगा मर जाएगा तो बीटी कॉटन का तो कुछ नहीं हुआ इंसेक्ट मर गया नाउ ये देखो ये ये देखो आपको सफेद सफेद कलर के कपास जैसा दिख रहा है तो बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस थ्योरी जीनसिस नीट में क्वेश्चन आता है इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट सच एस कॉटन मतलब बीटी कॉटन क्या है बीटी एक केमिकल है बीटी एक टॉक्सिन है जो कि प्रोटीन होता है किससे निकाला जाता है हमारा फेवरेट बायोटेक्नोलॉजी का लाडला बैक्टीरिया ठीक है बेसिलस थ्यूरी उससे निकालते हैं और बीटी कॉटन और सॉरी कॉटन वाले प्लांट में डाल देते हैं तो बीटी टॉक्सिन विच इज प्रेजेंट इन साइड दैट कॉटन प्लांट इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन प्लांट ठीक है टॉक्सिन है खुद के शरीर में इनएक्टिव रहेगा पर इसको अगर कोई खाने आएगा तो वही इनएक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट खा जाएगा इनएक्टिव उसकी गट के एल्कोलीन पीएच की वजह से एक्टिव हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा तो गट में पोर्स कर देगा पोर्स करते से ही स्वेलिंग आएगी इंसेक्ट में और इंसेक्ट मर जाएगा मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा छाणा है ये बीटी टॉक्सिन का जो प्लांट है बीटी को ने डेट छाणा है इसको घमंड पर क्यों भाई मेरे को मैं मैं को कोई को मार ही नहीं सकता है मैं रेजिस्टेंट हूं तो ये क्या बड़ा स्पेसिफिक है कि इसी इंसेक्ट को मारूंगा इसको नहीं मारूंगा इसको मारूंगा मतलब हम लोग कह सकते कि इट इज वेरी सेलेक्टिव जैसे होती है ना सेलेक्टिवली को चुनूंगी अंदर आने दूंगी तो ये भी इंसेक्ट को मारूंगा प्रोटीन है टॉक्सिन प्रोटीन को देखो प्रोटीन किससे कोड होता है जीन क्या करता क्या है जीन प्रोटीन कोड करता है जेनेटिक्स बच्चों बताऊंगी उसमें समझ में आएगा जीन का नाम क्या है क्राई जी सी आर वाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है प्रोटीन्स इनकोडेड बाई जीन्स क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म दैट ऑफ क्राई वन ए बी एंड कॉर्न बोरर देखो ये जीन्स के नाम आपको डायरेक्ट याद करने हैं इसमें बहुत ज्यादा भेजा नहीं लगाना है ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था आपकी बुक में लिख दिया है ज्यादा गहराई में नहीं जाना है क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी थ्योरी को प्रूफ कर चुके हैं और एनसीआरटी की बुक में ये चीज डल गई है ठीक है तो क्या होता है कि जो जीन होता है क्राय जो जीन होता है क्राय उसके बहुत टाइप्स होते हैं क्राय वन ए सी क्राई टू ए बी ठीक है इस जीन की वजह से इनएक्टिव टॉक्सिन बनते हैं और ये इनएक्टिव टॉक्सिन डायरेक्टली जैसे कॉटन बॉलवम्स और कॉन बोरर नाम के इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज पे क्या करते हैं एक्ट करते हैं ठीक है इज इट क्लियर नाउ एग्रीकल्चर के फायदे बता रहे हैं अब हम लोग क्या देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऐसा प्लांट बनाओ जिसको पेस्ट खा ही नहीं पाए ठीक है देखो निमेटोड क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में प्लेटी हेलमेंथीज निज या फिर एस्का हेलमेंथीज निमेटोड क्या नाम है नाम याद रखना है मेलोइडिग्नी इनकॉगनेटा क्या नाम है मेलोयडिग्नी इनकॉगनेटा प्रोनसेट मेलाईडिग्नी इनकॉगनेटा इन फैक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट ये जो नीमे टोड है यह टबैको प्लांट को ढूंढता है और उसके रूट में घुस जाता है और उसको बीमार कर देता है ठीक है रूट बीमार हो जाएगी पानी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी न्यूट्रिय को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी तो क्या होगा क्या होगा प्लांट धीमे धीमे मरता जाएगा ठीक है आर एन ए इंटरफेरेंस आर एन ए आई स्ट्रेटेजी यूज़ टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन अब इसको बचाएंगे कैसे टेक्निक का नाम है आर एन ए इंटरफेरेंस जो नीमेटोड है उसके आर एन ए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करो आर एन ए आई इज अ मैथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस इन ऑल यू कैरियोट ठीक है इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एम आर एन ए साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल भाई आर एन ए की खूबी क्या है हमारी जो पूरे वर्ल्ड में या अर्थ की बात करूँ तो आर एन ए पहले आया था और उससे ही इवॉल्व होकर डी एन ए आया क्योंकि आर एन ए क्या है हाईली अनस्टेबल है चेंज अपनी बार बार प्रोटीन सिक्वेंस को चेंज कर देता है एड्स का इलाज क्यों नहीं है क्योंकि एच आई वी वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इन्जाइम है जो एच वायरस है उसके पास आर एन है रोज चेंज कर लेता है रोज चेंज कर लेता है अब समझ में ही नहीं आता भाई कौन सी दवाई बनाऊं इसलिए एड्स का इलाज अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं तो यही मेथड यू कैरी अपनाते हैं यू कैरियाट क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो डबल स्टैंडर्ड डी है वो स्टेबल है क्योंकि उस उसमें यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस नहीं है आरएनए के पास यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस है यूरासिल तो ये क्या है ये मस्त मौला है ये किसी के लिए नहीं रुकता है ये किसी ये क्या अपने हिसाब से रहता है कभी भी चेंज हो गया कभी भी बात करता है कभी नहीं बात करता है इस तरीके से तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है यू कैरियॉर्ट्स के पास कि उनके पास जो डबल स्ट्रैंडेड है उनके पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल है वो जो आरएनए को है जो नॉर्मल आरएनए को है अपनी बॉडी में ग्रो नहीं कर देता है सपोज करो कोई वायरस आया वायरस के पास आरएनए है मेरे पास डीएनए है तो डीएनए ने क्या बोला कि मेरे पास गजब की इम्यूनिटी है मैं तेर को मल्टीप्लाई नहीं करने दूंगा क्योंकि अगर आरए की कॉपीज बन गई फिर तो वायरस को रोकना नामुमकिन है देखो ये नीमेटोड दिख रहा है ऐसा एस्का हेलमेंट मतलब राउंड वॉर्म्स ऐसा दिख रहा है क्रॉस सेक्शन राउंड आता है देखो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आर एन एज फ्रॉम अ इंफेक्शन बाय आर एन ए वायरस ट्रांसपोज इज दैट रेप्लीकेट वायर आर एन ए इंटरमीडिएट ये ये लाइन कोई बहुत ज्यादा समझने की नहीं है इसमें सिर्फ इतना बोला है कि भाई डी एन ए क्या कर रहा है आपके आर एन ए इंटरफेरेंस को रोक रहा है दूसरे के ऑर्गेनिज्म में यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम वैक्टर वैक्टर मतलब वैक्टर मतलब प्लाज्मिड वेक्टर मतलब प्लाज्मिड नीमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी होस्ट प्लांट कहने का क्या मतलब है नीमेटोड का जीन निकालो नीमेटोड का जीन निकाला आ रही मेरी बात समझ में बायोटेक्नोलॉजी को द, दिमाग में घुमाओ नीमेटोड का जीन निकाला और ये वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया वेक्टर डीएनए कौन से बैक्टीरिया से निकाला एगैरो बैक्टीरियम दोनों को जोड़ा आर डीएनए बना और आर डीएनए क्या कर दिया होस्ट में डाल दिया अब होस्ट क्या करेगा दीज टू आर एन एज बी कॉम्प्लीमेंट्री टूच अदर फॉर्म दबल स्टैंडर्ड आर एन ए इनिशियटेड आर एन ए आई एंड साइलेंस द स्पेसिफिक एम आर एन एफ नीमेटोड कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि देखो नीमेटोड का जीन और एगेरोबैक्टीरियम बैक्टीरियम का दिन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया दोनों को जोड़ने के बाद आर डीएनए बना आर डी एन ए को निकाला आर डी एन ए को निकाला और किस में डाल दिया होस्ट में डाल दिया किस में डाल दिया होस्ट में डाल दिया तो अब क्या करेगा होस्ट का आर एन ए होस्ट का आर एन ए और बैक्टीरियम का आर एन ए आर एन ए आर एन ए सिंगल सिंगल मिलकर क्या बनेंगे डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए और डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए इस इस की एक्टिविटी को इस नीमेटोड की आरएनए की रेप्लिकेशन की एक्टिविटी को डिवीजन की कैपेबिलिटी को खत्म कर देगा क्या कर देगा खत्म कर देगा तो नीमेटोड प्लांट को नहीं मार पाएगा पैरासाइट कैन नॉट सरवाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग अ स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आर होस्ट क्या है ट्रांसजेनिक है ऑलरेडी आपने उसके जीन को बदल के रेजिस्टेंस को बढ़ा रखा है बड़ा रखा है बड़ा रखा है बड़ा रखा है बड़ा रखा है तो तुम दुनिया की कोई सी भी चीज उसमें डाल दो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव जरूर करेगा ठीक है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ अब क्या देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी उसके बाद चैप्टर खत्म करूंगी मेडिसिन मतलब छोटा चैप्टर है अगले लेक्चर में खत्म कर दूंगी फिर परसों से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का मेंटी खेलेंगे जो भी आप चैप्टर्स खत्म हो गए उन सबका मेंटी खेलेंगे ठीक है तो टेलीग्राम आईडी जाते टाइम दे दूंगी जुड़े रहना रात में सोने से पहले मैं पूरा टेलीग्राम पे शेड्यूल डाल देती हूँ देखोगे तो फायदे में रहोगे देखो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो आर डीएनए है मतलब वेक्टर डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए प्लस कौन सा वेक्टर डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट वो ऐसी ड्रग्स बता ऐसी ड्रग्स ऐसी मेडिसिन बनाने में हेल्प कर रहा है कि आप इलाज भी कर सकते हो दुनिया का और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डज नॉट इंड्यूस अन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस कहने का क्या मतलब है कि आप दवाइयों से दुनिया को ठीक भी करो और साथ साथ में शरीर को साइड इफेक्ट भी मत दो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्किन डिजीजेस होती है वो आजकल स्टीरोड्स खाते हैं स्टीरोइड से बोन गल जाती है बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जॉइंट्स गल जाते हैं तो ऐसी दवाई बनाओ जो स्किन के लिजन को भी ठीक कर दे और बोन पे नहीं अटैक करे क्योंकि अगर बोन गल जाएगी तो हाउ विल यू स्टैंड आपकी फ्रेम क्या रहेगा आपका पॉस्चर क्या रहेगा गिर जाओगे चल नहीं पाओगे अबाउट थर्टी एट प्रेजेंट अभी की तारीख में अबाउट थर्टी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है्रूव ऑफ दिज ट्वेल आर बींग मार्केटेड इन इंडिया अभी तक जो जीन को बदल के दवाइयाँ बनाई हैं वो तीस हैं लेकिन उन तीस में से सिर्फ बारह ही हम लोग मार्केट में ला चुके हैं जिन पर टेस्टिंग हो चुकी है और वो प्रॉपरली टेस्टेड हैं कि भाई अगर हमने ह्यूमन को खिलाई तो ह्यूमन ठीक हो जाएगा और उसकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे ठीक है नाउ एप्लीकेशन इन मेडिसिन मेडिसिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इंसुलिन को ऐसा बना दो कि जैसे ही वो डायबिटिक पेशेंट में जाए फटाफट ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करे और पेशेंट को तकलीफ ना हो जीन थेरेपी जीन को छेड़छाड़ करके आप ट्रीटमेंट को करो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखो आज की तारीख में जैसे पहले क्या है माँ बाप के क्रोमोजोम में गड़बड़ हुई या डिफेक्टिव क्रोमोजोम बच्चे में आ गया तो बच्चे में डिफेक्ट्स बहुत सारे आते थे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कि आज हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले ही ऐसा हो जाए कि उसको कोई बीमारी ही नहीं हो अगर उसके क्रोमोज़ोम डिफेक्टिव आ गए तो वो ज़िंदगी भर के लिए उस बीमारी से पीड़ित रहेगा बोलते ना कंजेनाइटल है जन्म जात बीमारी है क्रोमोजोम डिफेक्टिव आया है जो क्रोमोजोम के ऊपर जीन था जो कैरेक्टर को कोड कर रहा था सपोज करो आई को कोड कर रहा है अगर वो जीन डिफेक्टिव आया चोट लग गई किसी भी वजह से गया नहीं तो आई क्या होगी डिफेक्टिव पैदा होगी आई देख सपोज करो एक आई से दिख नहीं रहा कितनी प्रॉब्लम होती होगी उस बच्चे को तो आज की तारीख में चलो बाद में तो इलाज हो रहा है हम लोग चाहते हैं कि पहले ही उस जीन के डिफेक्ट को ठीक कर दें तो ठीक कब करोगे बीमारी का पता कब चलेगा जब उसका डायग्नोसिस करोगे गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स इतना समझ में आ रहा है बच्चों जो मैं समझा रही हूं ऑल आर hmm? okay, यू गेटिंग माई पॉइंट ओके सुनीता थैंक यू ठीक है बच्चों आई मेरी बात समझ में अब ये ठीक है थोड़ा सा इंट्रो देती हूं फिर कल बात करेंगे पहला है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड किसी के जीन को मैनिपुलेट करके आप इंसुलिन बनाइए इंसुलिन इज यूज टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज ठीक है डायबिटीज क्या होती है ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज है इतना ग्लूकोज है इतना ग्लूकोज है कि वो यूरिन में आ गया ग्लूकोसूरिया क्या है ग्लूकोसूरिया ग्लूकोस ग्लूकोज की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा क्या है यूरिन में बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा है गेटिंग माई पॉइंट जैसे किडनी है अब किडनी भाई फिल्टर कर रही है रीअब्सॉर्ब कर रही है इतना ग्लूकोज है इतना ब्लड को दिया फिर भी यूरिन में आ गया अजीब सी प्यास लगती है उस आदमी को पसीना आता है अजीब सा मेटाबॉलिज्म उसको समझ में कुछ नहीं आता अनकंफर्ट जोन में चला जाता है ठीक है तो अब देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या है एक हार्मोन है कौन बनाता है बीटा सेल्स ऑफ आइजलेट्स ऑफ लेंगर हैंस ऑफ पैंक्रियाज तो या तो पैंक्रियाज में गड़बड़ी है या पैंक्रियाज इंसुलिन बहुत कम बना रहा है या हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचे ले देखिए इंसुलिन काम नहीं कर रहा है इंसुलिन देख ही नहीं रहा है ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको स्वाइप करता जाता है ब्लड से जाओ लिवर में जाओ बहुत ज्यादा खाना खाने लिवर में जाओ इसे बोलते बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जाओ लिवर में जाओ मीठा कम खाओ लीवर में जाके ग्लाइकोजन बनाओ जब कभी फास्टिंग कंडीशन आएगी या ब्रिस्क एक्सरसाइज की कंडीशन आएगी तो लीवर और मसल्स दोनों में से ग्लाइकोजन को निकाल लूंगी पर अभी तुम लीवर में जाओ 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 लिवर में जाओ ठीक है तो इंसुलिन का सबसे बड़ा जो रोल है वो बीटा सेल्स में है ठीक है स्टूडेंट्स गेटिंग माई पॉइंट अब मुझे एक बात बताओ भाई जब शरीर में इंसुलिन है ही नहीं या है पर काम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे कंट्रोल करूंगी मैं ग्लूकोज हो गया है पर्सन यूरिन लेके गया मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था यूरिन लेके गया टेस्ट किया शुगर आ गया क्योंकि क्यूपरिकाइन क्यूपरस में बदल गए फेलिंग सोल्यूशन बैलेंडिक सोल्यूशन अब अब तो गड़बड़ हो गई अब भाई ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है ये बाकी चीज़ों को भी तो ख़राब करेगा ऑर्गन्स को डिजेनरेट करेगा इम्पेयर करेगा कौन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में भेजेगा तो एक काम करो अब शरीर ने तो बनाना बंद कर दिया है या बना रहा है पर काम नहीं कर रहा है ग्लूकोज को देख ही नहीं रहा है तो एक काम करो बाहर से ले लो क्या करो बाहर से ले लो अब बाहर से भी क्या है पहले ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्निक से इंसुलिन बनता था अब 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 इतना एडवांस तरीके से इंसुलिन बन गया है और जो ह्यूमन में इंसुलिन डालना है एडवांस तरीके से कि फट से डालूं और ग्लूकोस का लेवल कंट्रोल हो जाए भाई जो इनको डायबिटीज होती है वो खाना खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं कि खाने में ग्लूकोस आएगा ही तो इंसुलिन कंट्रोल कर लेगा वो बैक्टीरिया से मैं निकाल सकती हूं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो लाडला है वो बैक्टीरिया है बी फॉर बैक्टीरिया नहीं तो बी फॉर बायोटेक्नोलॉजी नहीं ठीक है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स आई मेरी बात समझ में आप लोगों को ओके अख्तर थैंक यू सो so स्टूडेंट्स हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं ठीक है आज हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है अगले लेक्चर में मिलेंगे अब बच्चों देखो बहुत बच्चे हर बार नए आते हो आप लोग हर बार नए तो मैं आप लोगों को बार बार यही कह रही हूँ मेरा नाम है डॉक्टर मीतू भावनानी अन अकेडमी में मैं नाइन्थ से ट्वेल्थ तक की बायोलॉजी पढ़ाती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए बेस्ट है आप नीट यू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए नीट यू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक साल दो साल का बेस्ट है अभी राइट टाइम में लेने का देर मत करो कोड को इस्तेमाल करो एम आपको टेन डिस्काउंट मिल जाएगा अब मैम आप कितने बजे पढ़ाती हो कितने बजे आती हो क्या पढ़ाती हो क्या नहीं पढ़ाती हो कब प्लस पे आती हो कब स्पेशल पे आती हो कब यूट्यूब पे आती हो इन सब इन सब के आंसर आपको टेलीग्राम देता है टेलीग्राम पे बच्चों आप क्या प्रॉब्लम है पूरा तो लिख देती हूँ लिखने के बाद लिंक भी शेयर कर देती हूँ लिंक सबके आते हैं चाहे स्पेशल क्लास होगी प्लस जो अन का प्लस प्लेटफॉर्म होती है उस पर स्पेशल क्लास फ्री होती है यूट्यूब की क्लास से लिंक आता है लिंक को दबाइए आपको पता चल जाएगा मैम की इतनी डेट पे सपोज करो तीन दिन बाद का लेक्चर मैंने अपनी टीम को दिया है उन्होंने मुझे लिंक दे दिया तीन दिन बाद में मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी उसका लिंक मैं पहले ही डाल देती हूं सपोज करो मैंने तीन दिन पहले डाल लिया तो आपको क्या करना है अब आपको कैसे याद रहेगा कि तीन दिन बाद मैम आएगी सेट रिमाइंडर आता है यूट्यूब के लिंक को क्लिक करके सेट रिमाइंडर जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे ना इधर मेरा पिक बनाएगा इधर लिखाएगा डेट टाइम और इतने घंटे में मैम लाइव आने वाली है लाइव इन टू आर लाइव इन थ्री आर और उसके सामने सेट रिमाइंडर का बटन आता है आप रिमाइंडर के बटन को ऑन कर लीजिए ठीक है या लिख लो अपनी एक डायरी बना लो टाइम टेबल की वैसे तो एक दिन पहले शेयर करती हूँ तो अभी क्या करना है आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए ठीक है ये भी मैं बता देती हूं टेलीग्राम होता है ना टेलीग्राम उस ऐप को इंस्टॉल कर लो और उसको इंस्टॉल करने के बाद टाइप कर लो मीतू भावनानी मीतू भावनानी ठीक है इज इट क्लियर या लिंक है आपका टी डॉट एम ई मीतू भावनानी नीट लिंक से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट ही सर्च कर लो मीतू भावनानी और उसको ज्वाइन कर लो ज्वाइन करते से ही आपको पता चल जाएगा कि कल का क्या स्केड्यूल है अभी मैं एक घंटे बाद पूरा स्केड्यूल टाइमिंग यूट्यूब पे होगा कि स्पेशल क्लास पे होगा प्लस पे होगा या मतलब ऐप पे ही होता है और उसके नीचे उसका लिंक सब शेयर कर दूंगी आप एक बार सोने से पहले टेलीग्राम को देख लेना ठीक है स्टूडेंट्स तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम मैं आ, पूरी कर दूंगी जैसे कि मैम ये वाला सेशन दे दो स्ट्रेटेजी का सेशन दे दो टाइम टेबल वो तो देते ही हैं मैंने दे रखा है पर दोबारा दे दूंगी क्योंकि काफी बच्चे नए आए हैं उनका मिस हो गया है ठीक है तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगी देने के बाद आप लोगों को जो भी डाउट सेशंस है डाउट सेशंस रख लेंगे ये हम लोग लेके आते हैं पर पढ़ाई का हम लोगों को पहले होता है कि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए ये एक्स्ट्रा सेशंस तो हमारे चलते ही रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक सेशन लिया था ब्रेन इन लेस देन आ, 20 मिनट्स 13 मिनट में ब्रेन पढ़ा दिया था तो ऐसे ही बच्चों ने बताया कि मैम अच्छा लगा तो ये सीरीज भी ले आएंगे धीरे धीरे करके सब कुछ मिलेगा पर उसके लिए अनअकेडमी के साथ जुड़ जाओ नंबर वन प्लेटफॉर्म है हमेशा आपको उमदा ही देगा अनअकेडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप जम के वाकई में फोड़ना चाहते हैं नीट को एक साल का या दो साल का सब्सक्रिप्शन सबसे उमदा है बेस्ट है लाजवाब है कोड को डालिए एम बी टेन आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो आज का सेशन यहीं ओवर करती हूं कल के स्केड्यूल के लिए टेलीग्राम पे देख लेना ओके स्टूडेंट्स चलिए टिल देन बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स गुड